कोरोना वायरस महामारी के दौरान पूरा देश व शहर लॉकडाउन था। वहीं सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर भी बंद थे। पूरे 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अब शासन के नियम अनुसार 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाज़त दे दी है। वहीं भगवान भी अब अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए तैयार हैं, परंतु श्रद्धालुओं को भी शासन की गाइडलाइन का पूरा ध्यान रखते हुए दर्शन करने होंगे, जैसे कि सैनिटाइजर करके अंदर प्रवेश करना होगा, मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दर्शन के लाभ ले पाएंगे। वहीं धार्मिक स्थलों के सेवकों ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि किसी भी श्रद्धालुओं को फूल, माला, प्रसाद, अगरबत्ती, नारियल, इत्र, अन्य कोई भी पूजा संबंधित सामग्री धार्मिक स्थलों पर नहीं लानी है, जिससे हम श्रद्धालु कोरोना से संक्रमण से बच पाएँ। 3 महीने से लॉकडाउन था और 3 महीने बाद भगवान के दर्शन होंगे सभी भक्तों को, और 8 जून से शासन के द्वारा जो बताया गया है कि मंदिर, सभी मंदिर, मस्जिद वगैरह, सब धार्मिक स्थल जितने भी हैं वो सारे दर्शन के लिए खुल जाएंगे। तो उसमें जो भी शासन के जो नियम है उसका पालन करते हुए सभी भक्त दर्शन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा सभी के लिए। और 8 तारीख के बाद जो भी शासन का आदेश होगा, जो गाइडलाइन होगी, उसका पूरा पालन किया जाएगा। जो भी मस्जिद में नमाजी आएंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा, और जो दूरी बना के रखनी है उनकी 3 मीटर की, वो मस्जिद में इतनी गुंजाइश है कि 3 मीटर की दूरी बना के रखेंगे, और जो भी शासन का ऊपर से आदेश पालन है गाइडलाइन का उसका पूरा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जैसा कि आप सारे भारतवासियों को, निमच के वासियों को पता है, जो कि धर्म स्थल भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन के हिसाब से 8 तारीख सोमवार को गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर, चर्च खुल रहे हैं, उसमें गाइडलाइन के हिसाब से जो संगत श्रद्धालु आएगी वो अपना हिसाब से आएगी, बहुत कम संगत में दर्शन करेगी। इसमें सैनिटाइज़र करके संगत को अंदर आना है और बड़े एकांत अपनी अपनी जो समाज की दूरी करके अंदर बैठना है। जो समय कम से कम समय हो गुरुद्वारे में अपना आएंगे, और अरदास में जो है वो कम ही संख्या में लोग आएंगे, और जो लंगर की व्यवस्था गुरुद्वारे। नीमच से दीपक खदावे की रिपोर्ट।